नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BN आयुर्वेद YouTube चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में नाभि में सरसों का तेल लगाने के फायदे के बारे में चर्चा करेंगे और आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दैनिक आधार पर हम कई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। जब ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो आपके पास अपनी सेहत में सुधार करने के लिए कालातीत और प्रभावी घरेलू उपचारों का उपयोग करने का विकल्प होता है। ऐसे कई प्राकृतिक पदार्थ आपके लिए आसानी से उपलब्ध हैं, जो बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे नाभि में सरसों का तेल लगाने के फायदे। बहुत से लोग कहते हैं कि नाभि तो जो है वो कट गई है, जब हम पैदा हुए बच्चे की नाभि काट दी और वो पहले ही फूली होती है और बाद में सूख जाती है, अब वहाँ पर क्या होना है तेल लगा के। कई लोग ये कहते हैं कि नाभि पर तेल लगाओ तो होंठ जो है वो कभी नहीं सूखते। तो लोग कहते हैं, यार क्या बकवास कर रहे हो, नाभि यहाँ है और होंठ यहाँ, तेल लगाने का क्या फायदा होगा, कौन से होंठ सूख जाने वाले है। आप ये बताओ, पेड़ को पत्तों को पानी दोगे तो क्या पेड़ हरा होगा, या पेड़ जड़ से ताकत पैदा करता है। पेड़ की जान कहाँ है, उसकी जड़ में। उसकी जड़ अगर काट दोगे तो पेड़ बचेगा, पेड़ सूख जाएगा। आपकी जड़ क्या है, जब आप माँ के पेट में थे तो आप सांस कहाँ से लेते थे, आप खाना कहाँ से खाते थे, आपकी बॉडी को ताकत कहाँ से मिलती थी, आपकी बॉडी को जीवन ऊर्जा कहाँ से मिलती थी, नाभि से। हाँ, सिर्फ नाभि से। आप बड़े भी नाभि की वजह से हो रहे थे, आपकी बॉडी को सिर्फ नाभि ताकत दे रही थी और वो नाभि की ताकत आज भी तुम्हारे पेट से जुड़ी हुई है। अगर आपकी नाभि में कोई आदमी बिल्कुल सीधे एक सुई घुसा दे तो आपकी एक मिनट के अंदर डेथ हो जाएगी, आप उसी समय मर जाएंगे। इसका मतलब नाभि में आज भी उतनी ही जान है, क्योंकि हमारी वो जड़ है। नाभि और जड़ पर अगर कुछ पहुंचा दिया तो वो पूरे शरीर में पहुंचेगा। इसीलिए लोग कहते हैं, नाभि में घी लगाओ, या नाभि में देसी घी लगाओ, या नाभि में तेल लगाओ, या अलग अलग तेल बताए जाते हैं। वो क्यों बताए जाते हैं, कि नाभि को अगर नरिशमेंट दे दिया, नाभि को अगर तेल पहुँचा दिया तो आपकी बॉडी में हर जगह तेल पहुँच जाएगा। अगर आप नाभि में तेल लगाएंगे तो आपके पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक, वहां तक तेल पहुंच जाएगा, वहां तक शक्ति पहुंचेगी, उससे आपके होंठ मुलायम होंगे। जो लोग कहते हैं, मैं तो मालिश करता हूँ, तेल लगाता हूँ, मॉइस्चराइजर क्रीम लगाता हूँ, फिर भी जो मेरी स्किन है ना वो ड्राई है, हम कहते हैं कि अगर चंद दिन तक सिर्फ नाभि में 4 बूंद भी अगर आपने तेल लगा लिया तो रोज ऐसे सीधे लेट के 4 बूंद उसमें टपका दो और लेटे रहो, तो आप हैरान रह जाओगे कि आपकी स्किन की सारी ड्राइनेस खत्म होगी। आप पर जो बड़ी बड़ी मॉइस्चराइजर क्रीम काम नहीं कर पाई, जो आप लाखों रुपए स्किन पर बर्बाद करते हैं अपनी स्किन को संभालने के लिए, वो काम सिर्फ नाभि में लगाया हुआ सरसों का तेल कर देगा, आपके पेट को दुरुस्त कर देगा। अगर आपकी नाभि टल जाए तो यहाँ तो कब्ज हो जाती है और ये दस्त लग जाते हैं, या डायरिया हो जाता है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आपकी नाभि अगर टल जाए तो आपको बेचैनी होती है, दर्द होता है, गैस बनती है, पेट खराब रहता है, बदहजमी हो जाती है, खट्टी डकारे आती है, पेट के अंदर जो हमेशा मरोड़ उठते हैं, तो नाभि में वो जान है कि वो अभी भी आपके पूरे शरीर को पकड़े बैठी है। जापानी लोग को एक ही चीज सिखाई जाती है, जब आप नाभि से सांस लोगे तो गहरी सांस लो, जिसका मतलब है अपनी सांस को नाभि तक पहुंचाओ। और लोग क्या करते हैं, अपनी सांस को सिर्फ फेफड़ों तक लेके जाते हैं और वापस ले आते हैं, छोटी सांसें लेते हैं। अगर लंबी सांसें लोगे तो नाभि तक जाएगी, जीवन शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी, आपके जोड़ों के दर्द खत्म होने लग जाएंगे, पेट जो खराब रहता है वो ठीक होने लग जाएगा, आंत सही से काम करने लग जाएगी,
लीवर फंक्शन ठीक से शुरू हो जाएगा, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सही से काम करने लग जाएंगे, हार्मोन्स बैलेंस होने लग जाएगा, आपका माथा हमेशा ठंडा रहेगा, आपका जो डिप्रेशन टाइप फील होता है या स्ट्रेस हैंडल नहीं होता या मन शांत नहीं रहता या आप बेचैनी फील करते हैं या पेट खराब रहता है, हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ नाभि में तेल डालने से खत्म हो जाएंगी। नहीं तो हम आपको चैलेंज देते हैं, आप सिर्फ एक महीना हमारे कहने से ये करके देखें, एक महीने में आपको वो फर्क नजर आएगा। दुनिया की सारी दवाइयां इसके सामने फेल है, हम आपको इसके लिए एश्योर करते हैं, लेकिन आप इसको एक बार करके देखें। आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि तेल शुद्ध होना चाहिए। अगर आप नाभि को शुद्ध चीज देंगे तभी तो वो इफेक्ट करेगी। इसे आप जिंदगी भर भी कर सकते हैं। अगर आप जिंदगी भर करते रहेंगे तो आपकी उम्र तक लंबी हो जाएगी, क्योंकि नाभि से आपको जीवन मिला है बचपन से, और आप नाभि को जीवन शक्ति दे रहे हैं, आप नाभि को जिंदा कर रहे हैं, आप अपनी जड़ को तेल पहुंचा रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही आयुर्वेद की इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए BN आयुर्वेद से जुड़े। दोस्तों, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी समस्या है तो भी आप बिना हिचकिचाए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से BN आयुर्वेदिक संस्थान के अनुभवी डॉक्टरों से बात करके अपनी समस्या के हिसाब से घर बैठे दवा मंगवा सकते हैं। हमारा BN आयुर्वेदिक संस्थान सभी प्रकार की बीमारियों जैसे यौन समस्याएं, महिलाओं और पुरुषों से जुड़ी सभी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, पेट से जुड़ी सभी प्रकार की पुरानी से पुरानी समस्याएं, ओबेसिटी यानी मोटापा, माइग्रेन, डायबिटीज यानी मधुमेह, थायराइड डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, हेयर फॉल एंड स्किन यानी बाल झड़ना और त्वचा से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं, जॉइंट एंड मसल पेन यानी जोड़ और मांसपेशियों में दर्द, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी श्वास से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं, गायनेकोलॉजी स्त्री रोग से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं, यूरिनरी डिसऑर्डर्स यानी मूत्र से संबंधित जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं, लीवर एंड गॉल से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याएं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यानी यौन समस्याएं, हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारियां, किडनी की समस्या, बवासीर या फिर फिशर, वजन नहीं बढ़ा पाना, नशे की लत, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप जैसी सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज BN आयुर्वेदिक संस्थान में किया जाता है। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित होगा, आप अपने लिए बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे। यदि आपके पास है कोई सवाल या फिर है कोई सुझाव तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगली वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। गुड बाय दोस्तों, आप देख रहे थे BN आयुर्वेद YouTube चैनल। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।